बनाए जा रहे हैं जरगा, भंगीरा के भंगीरा, पत्ते, हाँ, साथ में आलू प्याज के आलू पकौड़े। प्याज भाई जी, आलू गुटके हैं। आलू गुटके। हर सीजन में आते रहिए, नया नया पकौड़ी खिलाएंगे आप। ये सबकी फेवरेट डिश है आलू गुटके। हाँ, आलू के गुटके बहुत पसंद है लोगों को। आलू के गुटके और रहता रहता तो है नहीं इसमें, रहता कली खा लिया। चलिए, हमारा जिलिंग स्टेट का एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता अगर हम चेस्टनट नहीं खा पाते, है ना। जो जाते जाते हमें खीर भी मिल गई खाने को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम रबड़ी रबड़ी की तरह लग रहा है। और जितना लेट होता है, मतलब जो लास्ट सीजन का होता है, बहुत मीठा होता है। ये मीठा भी है, क्रंची। और इसका ऐसा है, ये फल में न तो कोई जूस है न कुछ है, ड्राई। पर इसके पीछे इतने जानवर पड़े हैं, आप वॉकिंग डियर, वाइल्ड बॉ, तोता, चिड़िए और ये जंगली जो फेजेंट हैं वो भी सब इसको खाते हैं। चूहे भी इसको कलेक्ट करके वहाँ अलग से रख रख लेगा, अगर वो जमीन में गिरा हुआ होगा। पूरा इसको इसके पीछे पड़े हैं आप। पहले साले बंदर बंदर नहीं खाते थे, अब तो उनके खून निकल जाता है छीलते हुए। रमेश जी बता रहे थे कि चेस्टनट किस में होता है। ये इसमें देखिए ना, इसका ये देखिए ना, ये शेर, ये वो वहाँ है नहीं, वो ये एक्चुअली ये ऐसे होता है। एक सेकेंड, और इसको पानी चाहिए, जितनी बारिश होगी खुलेगा, सूखा होगा तो फिर ये तो खुल के अपने आप गिरता रहता है। हाँ, और हम गिराते भी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब, है ना। थैंक यू आप सबका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिलिंग स्टेट में। और हम थैंक यू, हम लोग दोबारा आएंगे। क्या अखरोट है ये? अखरोट है सर। क्या बात, ऊपर पेड़ है ना यहाँ पे, वो लंगूर बंदर ने गिराया होगा अभी। खाए इसको? हाँ हाँ जरूर सर, तोड़ के खा सकते हैं। ये ठीक लग रहा है। मीठा। ये एक फूल है सर, जिसको हम ड्राई डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अगर यूज़ करेंगे तो लगभग 4 साल तो आराम से चल जाएगा आपके पास। क्या बोलते हैं इसको, नाम भी है इसका? लोकल नाम मालूम है सर मुझे। इसका लोकल नाम हम कांस बोलते हैं। कांस? हाँ। ये जिस वॉक पे हम हैं सर, जंगल पे, यहाँ पे ये काफल और रोडोडेंड्रोन का मिक्स जंगल है। ये रोडोडेंड्रोन जब खिलता है तो उस टाइम पे काफ़ी रेड फूल आते हैं और पूरा लगभग आप कहिए कि पूरा पहाड़ी रेडिश हो जाता है। उसको बुराश बोलते हैं। बुराश जी, हाँ। तो ये कौन से महीने में होगा? ये होता है सर आपका, पहले तो आपका मई जून के आसपास, मई जून से पहले होता था। अभी क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये दिसंबर से खिलना स्टार्ट होता है और मई जून तक लगभग रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे काफ़ी प्रभाव है? यहाँ पे भी है सर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से हम देखते थे कि हमने खुद एप्पल खाए थे यहाँ पे, और एप्पल अब यहाँ पे नहीं हो रहा है। एप्पल की नई वेराइटी आई है, वो हो रही है यहाँ पे। पुरानी जो पहले से हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही थी, वो नहीं हो रही अभी। लोकल वेराइटी नहीं है? नहीं।
ये सर पानी का स्प्रिंग है, ऊपर स्प्रिंग है, नीचे यहाँ पे ये गाय बच्चों के लिए जो जंगल से जानवर आते हैं उनके लिए रखा हुआ है, ऊपर से लोग खुद भी पी सकते हैं, आप भी पी सकते हैं। चलिए जमीन के अंदर से शहरों में इसी को बोतलों के प्लास्टिक की बोतलों में पैक करके जी। कितने महंगे दामों में बेचते हैं। यह है सर वाइल्ड चेस्टनट, इसको हॉर्स चेस्टनट भी बोलते हैं, ये जंगली जानवर खाते हैं इसको, इन्होंने ये खा के फेंक रखे हैं। एक होता है स्पेनिश चेस्टनट, हाँ, जो नीचे देखा हमने, हाँ हाँ, जो रास्ते में पड़े हुए हैं हर जगह पे, हाँ हाँ हाँ, और ये है वाइल्ड। जी ये वाइल्ड है, ये जानवर खाते हैं, इंसान नहीं खाते जी। नमस्कार नमस्कार, तो ये किस लिए ले जा रहे हैं? ये गाय बच्चों के नीचे बिछाने के लिए होता है, ठंड हो रही है इसलिए। हाँ ठंड भी होगी और जो भी उनका गंदा होगा जैसे कि गोबर होगा वो इस पे रह जाएगा। अच्छा। और साफ़ करने के लिए इजी रहेगा और दूसरा खाद बनेगा इससे खेतों के लिए। हल्दिया के पत्ते पे फल हाँ। खाया जाएगा जी, जो कि इलाज है बिच्छू घास का। स्टिंगिंग नेटल, अगर आपको खुजली होती है ना खराश उससे हाँ। तो उसको बचने के लिए कहते हैं 12-12 घंटे तक रहती है हाँ, झंझनाट झंझनाट। ये मल्टा है हाँ। क्या आनंद, बिल्कुल हरियाली के बीच में बैठ के फल का आनंद ले रहे हैं। चला जाए हाँ सर, चलिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हेमू जी के गांव कनरखा, और यहां पे हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। और ये पीछे में होम स्टे है, ऊपर में हेमू जी का घर है, पीछे में गाय भैंस घोड़े हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य। और सर अच्छा लगा वो गांव? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही सुंदर है, शांत। ये राजमा है सर? ये पहाड़ी राजमा है जी, पहाड़ी राजमा है। इसमें से निकलता है राजमा, ये छोटा वाला है, और आपको एक बड़ा वाला भी दिखाता हूँ। ये सफ़ेद दाने हैं अभी हाँ, ये सफ़ेद राजमा है हाँ, सफ़ेद है सर। यहाँ पे 4-5 वैरायटी अलग अलग होती है हाँ, ये आपको यहीं मिलेगी। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, पर्पल कलर की है हाँ। इसको वैसे ही पकाते हैं जैसे नॉर्मल राजमा पकाते हैं? हाँ हाँ नॉर्मल। इससे ये ऐसी ही रहती है सूखने के बाद भी? सूखने के बाद भी कलर ऐसे ही रहेगा। पैलाग और सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सब ठीक ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, बस नास नास में कैसा हो रहा है मौसम? हम लोग जब आए थे तो वही दिन में गर्मी और रात में थोड़ी सी ठंड, यहाँ जैसी ठंड नहीं है। यहाँ तो आजकल भी हम रजाई ओढ़ते हैं हाँ, यहाँ पे जब से हम लोग भी आए रजाई ओढ़ रहे हैं हाँ। यहाँ तो ठंड है, दिन में तो अच्छी धूप है, दिन में अच्छी है, फिर शाम शाम को शाम से फिर ठंड हो जाता है। मक्का सुखा रहे हैं? मक्का सुखा रहे हैं, अभी छत में डाली है मक्का, रोटी बनाएंगे मक्के की रोटी हाँ। जाते हैं हम लोग खेत घूम के आते हैं खेत में हाँ हाँ।
पिलाग 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 मटर है मटर भाई मटर का सीजन है। और क्या क्या उपजाते हैं यहाँ पे? हम तो बस ये आलू मटर मक्का गेहूँ और ये क्या नाम कहते हैं गोभी लहसुन प्याज सब घर का ही उगाते हैं। गेहूँ अब इनमें गेहूँ बोएंगे बाद में ऊपर को। तो ये सब अपने खाने के इस्तेमाल में करते हैं कि बेचते हैं इसको बाहर? ये मटर और आलू तो बेचते हैं ना। मूली मूली भी होते हैं बरसात के टाइम में। खाना भी हो गया बाकी बेच दिया। इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? यहाँ रहते हैं करीब 250-300 परिवार। 250 तो बड़ा गांव है। हाँ हाँ आगे नीचे और इसको मिला करके 250-300 300 हल है। हाँ में और ज़्यादातर सब लोग अपना कृषि करते हैं खेती करते हैं। सब खेती करते हैं सब। कोई कोई लोग होंगे नौकरी में कोई मास्टर कोई कुछ बाकी सब ये खेती किसानी करते हैं इसलिए खाते हैं। अब मटर है आजकल तैयार हो जाती है आजकल ये 100 रुपये किलो बिक रही है। एक किलो भी इतना सा आता है बस। अभी इसको तैयार होने में 15 दिन लगेंगे। जैसे ये यहाँ तैयार हो गया है ये दो तैयार हो जाएंगे इन दोनों को बचाना पड़ेगा फिर हम इनको ही उठाएंगे। उठाने में टाइम लगता है थाले में। ये हम यहाँ से हल्द्वानी मंडी में भेजते हैं वहाँ से 8 लोग भेजते हैं। चले नाश्ता किया जाए। बुआ आएंगे? मडोन ढेर लगा रखे खेत में से बाले काट के यहाँ रखे हैं। ये इसके दाने ये इसको रागी भी बोलते हैं। फिंगर मिलेट क्या नाम है आपका? ललित। क्या करते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं करते। पढ़ाई तो करते होगे? हाँ। स्कूल जाते हो? नहीं। हैं? हाँ। क्या बनना है बड़े होके? हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर? क्या बात। क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाते हो कहीं खेलने आसपास? अच्छा सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है? धोनी। धोनी सबका फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। ये बच्चों के लोग के लिए नहीं है ये बड़ों के लिए। इससे बनता है हुक्का। अम्मा क्या बना रहे हैं? मालपुए बना रही हूँ। इसमें दही और आटा गुड़ थोड़ा घी डालती हूँ इसमें तब बनेगा। घी डाल रहे हैं? हाँ घी डाल रहे हैं। गाय के दूध का घी है? हाँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की और गुड़ की। अब बनाया जा रहे हैं गर्मा गर्म मालपुआ। तो किसी त्यौहार में खाते हैं इसको? हम तो बनाते रहते हैं जैसे हमारे वहाँ कोई लोग आते हैं मेहमान आए तो और मेहमान अपने घर में त्योहार आता है और हम बनाते रहते हैं। अच्छा। फ्राई सरसों के तेल में करते हैं इसको। तो खाना लकड़ी के चूल्हे पे ही बनता है? हाँ हम लकड़ी के चूल्हे में बनाते हैं। एक चाय हाय बनाते हैं गैस में बस और चूल्हे में। खाने का स्वाद बढ़ जाता है। हाँ, लकड़ी के चूल्हे पे। भगवान की कुछ वो होगी फिर जितने लोग यहाँ आते हैं कहते हैं खाना हमारे यहाँ का अंदेशा कहीं नहीं खाया। और फिर आपका हाथ भी लग जाता है फिर पता नहीं भगवान की दुआ है फिर कोई भगवान का आशीर्वाद होगा जो बताते हैं लोग भगवान की है सब लीला। इतना बढ़िया आपने चिमनी बनाया हुआ है ऊपर। हाँ जो धुआं हो जाता है ना अंदर को सब बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है कभी जब बारिश का दबाव होता है तो अंदर आता है नहीं तो चली जाता है। ड्रम को काट के बनाया ना? हाँ ड्रम के काट के ऐसे चिमनी बनाते हैं वो जो धुआं यहाँ हो जाएगा वो नहीं होता है।
अंदर से कहीं कच्चे नहीं रह जाए। अच्छा पक जाएगी मुझे। आपका क्या नाम है? लीला। लीला, ललित और लीला भाई बहन। हाँ। ये पत्ता किस चीज का है? ये यहाँ पत्ते होते हैं, ये तिमिला बोलते हैं इससे, बड़े पत्ते होते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ये पत्ते जाते हैं, इनमें लोग 100-200 आदमी इनमें खाते हैं। तिमिला। हाँ, तिमिला। 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 ये पत्तों के काम में बहुत ही अच्छा आता है ये वाला। एक किस का मसाला तैयार कर रहे हैं? ये हल्दी है घर की। अच्छा। घर में उगाते हैं हल्दी। ये लहसुन घर का, ये मिर्च घर की, सब ये चीज है हमारी घर की। ये राजमा के लिए बना रहे हैं? हाँ, राजमा के लिए। पहले कच्चे निकाले, फिर वो उबाले एक बड़े तौले में, उसके बाद इसको फिर छत में डाल दिया, काट कूट के सप्लाई करके इसकी फिर ये रख दिया। फिर ईमानदार इस्तेमाल, अपने घर के ईमानदार इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। ये बाजार ले जाना, जो उनका तत्व अस्थि होता है वो खत्म हो जाता है बिजली में ना उसके। जी जी जी। ये घर में इसमें बहुत टेस्ट निकलता है इसमें। हाँ, मिर्च भी घर ही में कूटते हैं, और मसाले और धनिया ये सब घर में। इसके ऊपर में सामान स्टोर करते हैं, सामान रखने के लिए बनाया हुआ है ऊपर में। हाँ, ये सामान जैसे बरसात में लकड़ी रख देते हैं यहाँ, 20-25 गट्ठे लकड़ी रख दिया यहाँ। इसमें कूटती हूँ, इसका कूटने वाला तो नहीं होगा, इसमें कूटती है ये, इसमें ये, इसमें कूट काट के रख दिया इसमें। किसी जमाने में हम लोग भी घर पे मसाले ऐसे ही कूटते थे। मसाले घर के कूटे हुए मसाले में टेस्ट बहुत आता है। बहुत आता है। अपना चक्की पे गेहूँ पीसते थे? हाँ, पहले भी जब हमारे ससुर के बारे में था, एक पीसने वाला। हाँ, चक्की। चक्की, चाका कहते थे उससे। क्या बोलते थे? चाका। चाका। हाँ, चाका। दाल हाल जैसी दाल कम घड़ी उसमें कुकर दिया, उसमें फिर उसमें बनाते थे ऐसे। मतलब हर घर में एक मामदस्ता। हाँ, एक चक्की। हाँ, सिलवट्टा। ये होते हैं। अब यहाँ तो शौक हो गई लोगों को ना, अब लोग ऐसा करते हैं, सब बाजार ले जाते हैं। मैं कहती हूँ हम जब तक मैं हूँ, मेरी बहू भी देखेंगी, जैसा मेरी सास करती है करके, वो भी करेंगी कभी, अच्छा लगेगा उनको। इस आधुनिक युग में लोग अपनी खाद्य संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हाँ, वो भूलते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इसको बचा के रखा जाए। आदमी ने गाय पालना छोड़ दी। पहले हमारे हिंदू में ऐसा करते थे, खाना पका के पहले गाय के लिए निकालते थे, पहला हिस्सा गाय का, पहला हिस्सा अग्नि का, फिर उसके बाद गाय का होता था। फिर मसाला डाल दिया आपने ना? हाँ, मसाला डाल दिया। इसमें मसाले में क्या क्या था? इसमें जीरा, हल्दी घर की, और हरी मिर्च घर की, मिर्च, लहसुन। अब इसमें छाछ डालेंगे? हाँ, इसमें छाछ डालूंगी, थोड़ा चावल डालूंगा। तो छसिया बना होगा छाछ से? हाँ, छाछ से छसिया बन गया होगा। हाँ, छाछ से छसिया बन गया। अब इसमें मट्ठा डाल रहे हैं। हाँ, नहीं छोटे से चाहिए, एक कटोरी। अब इसमें भात डाल रहे हैं। हाँ, तो भात को पहले पका लिया है। हाँ, ऐसे तो आप वैसे चावल पहले इसमें भी पक जाते हैं ना, मट्ठा डाल देते हैं, और अब के हमने अलग तरीके से बना दिया ये। ये बन गया छछिया, पहाड़ी खाना। ऐसे पतला ही रहता है झोल की तरह? हाँ, पहले बेटी तो जैसे गरीब लोग थे, इसमें आटा डाल देते, इतना इतना आटा डाल दिया। फिर ये बन गई दाल। देखें, इस पत्ते में 7 प्रकार की राजमा है, जिनमें सबसे कॉमन आपको ये देखने को मिलती है, बाकी मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। यह है पुआ, जो बना है आटा, गुड़, घी, दही से। यह है पहाड़ी भात। यह है मिक्स राजमा।
मसूर की दाल के साथ। यह है छसिया। ओहो बुबू आ गए। आ गए है ना। अरे दालें भी रखी हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ आपके घर पे पूरा एक पहाड़ी भोज हो गया। भोज हाँ इतनी सारी चीजें आइटम हो गई। देखते तो, देखते ये तो चलते रहते हैं पकते रहते हैं। इसमें क्या है गरम। हाँ 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 इसमें आलू है घुटके सब्जी होगी। राम करेला। राम करेला आलू की खुशबू देखो आप। एकदम छास की अच्छी सी खटास है इसमें। हाँ। हल्दी का बहुत ही उम्दा जाएगा। तो पत्ते पे खाने का एक अलग ही आनंद है। हाँ, हाँ। वो तो है। बस ये तो कुमाऊं का मतलब शादियों में गांव में कोई फंक्शन हुआ ये कर देते। अब ये पत्ते आ गए प्लास्टिक वाला डिस्पोजल वाला आ गया। अब शायद लोग फिर इसको अपनाना चाहिए। यही मसल अच्छा है बिल्कुल। पहले शादी होती थी उसके बाद दुर्गुना होता था। उस दिन ये मालपुए पकते थे। शादी आज हुई उस दिन तो पूरी पकी। जब दुर्गुण में जाएंगे पुए जरूर पकेंगे। ये मतलब घर में कोई आएगा तो दस्तूर है। अच्छा सब शादी के बाद घर में कोई आ जाए उस दिन भी पकाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं यहाँ के आपकी सब्जियों में स्वाद बहुत है। मतलब सिर्फ आलू ही इतने स्वादिष्ट लगते हैं खाने में अगर मसाला कुछ भी ना भी हो। राजमा और भात। राजमा के दाने को देखें। इसमें करीब 5 तरह के राजमा हैं। मसूर की दाल है। इतने स्वादिष्ट राजमा है। अब फाइनली अपना पहाड़ी भोज एंड करते हैं मालपुए के साथ। भी लाए खाते हैं इसको। अरे कहाँ अम्मा का हाथ लगा हुआ है तो खाना स्वादिष्ट बनना ही है। अब दोबारा जाएंगे खेत पे। हो गया आजकल अभी सिंचाई का काम हो गया। आप कोई और काम करेंगे। हमारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुत मजा आया खा के। जो आप हमारे घर में आए खाने के लिए धन्यवाद। नहीं आपका आप सबका धन्यवाद कि आपने इतना स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया हमें। अब बस जो लोग आना चाहें वो ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। इस गांव का नाम है कनरखा। यहाँ पे दया जी होम स्टे चलाते हैं। आप यहाँ आए यहाँ पे रहें साथ में अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना खाएं। जाके थोड़ी बहुत बूबू के साथ खेत में काम भी करें। सिर्फ खाए नहीं है कि नहीं। खेत में काम करने वाले जो आ जाएगी वो बहुत बढ़िया है ना। खेत में काम करने वाला तो 1 महीने 15 दिन के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल आलू खोदने हैं मटर बुराई करनी है मटर उठानी है और साथ में आके बच्चों को पढ़ाए भी। हाँ पिलाग पिलाग भैया बच रहे हैं। चलिए ये गुड़ और घी है। गुड़ और घी शकुन शकुन हमारे वहाँ कहते हैं घी गुड़ का शकुन होता है। वाह थोड़ा और लो। घी भी मीठा और गुड़ भी मीठा। हाँ और लो घी। बाय बाय।